हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आज मैं वर्कआउट नहीं शूट कर रहा हूँ गाइस। आज मैं आपको बता दूँ, रात के लगभग 4 बज चुके हैं और मुझे रात को नींद नहीं आ रही अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक माइक मंगवाया था मैंने अपने लिए, बोया BY-M1, क्योंकि यार आप लोगों का मेरे पास टेक्स्ट भी आया और मुझे थोड़ा सा खुद भी फील हुआ कि पिछले कुछ वीडियोस में मेरी साउंड क्वालिटी, जो मेरी वॉइस है, वो क्लियर नहीं आ पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक माइक मंगवाया जाए, जिसे मंगवाने के बाद मुझे कुछ दिन बाद पता लगा कि यार ये तो एप्पल से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक अपनी अलग से एप्पल की लाइटनिंग टू ऑक्स केबल भी मंगवाई जाए। तो मैंने फिर एक लाइटनिंग 3.5 इंच या लाइटनिंग टू ऑक्स केबल मंगवाई, देखिए मेरे पास ये रखी हुई है। दोस्तों, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो शुरू करते हैं बोया माइक से। ये बहुत ही चीप और बेस्ट माइक लगा मुझे देखने में, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और देखा जाए तो ये आप लोग अपने स्मार्टफोन, कैमरा, DSLR और PC किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। इसकी जो केबल की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, 6 मीटर की इसकी जो है केबल की लेंथ है। बाकी टेक्निकल क्वालिटीज की देखा जाए तो हाई क्वालिटी कंडेंसर दिया गया है और नॉइस कैंसिलेशन भी इसका काफ़ी अच्छा बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर आपको एक इस टाइप का रेगजीन का या लेदर का, जो भी आप कह सकते हैं, इस टाइप का पाउच मिलता है। बोया ऊपर मेंशनड है, मैनुअल मिलती है और एक ये आपका साथ में वारंटी कार्ड है। इसमें आपका जो है कैमरा और स्मार्टफोन दोनों के फीचर दिए हुए हैं। इसको अगर आप पुश करोगे तो ये कैमरा पे आ जाएगा आपका और इस तरीके से आपका स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो जाएगा। एक एक क्लिप दिया गया है जिसे आप अपनी वेस्ट पे लगा सकते हैं, एक सेल डाल सकते हैं, बटन सेल। जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें काफ़ी अच्छा इसका बैटरी बैकअप है। इस टाइप का एक कॉलर क्लिप दिया गया है जिसको आप क्लिप करके साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये इसका अलग से दिया गया था जो माइक के ऊपर, जो मैंने लगाया बाद में। इस टाइप का इसका माइक है जिसके ऊपर आप ये फोम का जो है कवर इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी जो केबल है वो भी काफ़ी लेंदी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, शूटिंग कर सकते हैं वीडियो की। 6 मीटर यानी कि नियर अबाउट 20 फीट की लेंथ है इसकी, जो कि अच्छी खासी एक रस्सी की जैसी लेंथ है। तो नेक्स्ट हमारा जो अनबॉक्सिंग रहेगी लाइटनिंग टू केबल की, ये हमारी केबल है जो कि Apple.com से डिलीवर हुई है। ये देखिए एप्पल लाइटनिंग टू हेडफोन जैक, या फिर लाइटनिंग टू ऑक्स जैक, या फिर हम 3.5 mm जैक भी बोल सकते हैं अडैप्टर। यार एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि कंट्री ऑफ ओरिजिन अब चाइना से हटके वियतनाम आ गया। इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ। केबल है, सर्टिफिकेशन, वारंटी समरी एंड अदर इंफॉर्मेशन, तो ये इसके बॉक्स में आता है। एक ये छोटी सी जो आप केबल देख रहे हैं, ये अगर आप एप्पल से ओरिजिनल मंगाएंगे तो ये आपको 900 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। तो इसको हम अपने फ़ोन में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और अब हमारा फ़ोन तैयार है किसी भी 3.5 mm जैक के कनेक्टर से यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी वॉइस कैसी रिकॉर्ड होने के बाद कैसी लगती है। मैं कनेक्ट कर चुका हूँ बोया को माइक्रोफोन अपने फ़ोन के साथ। एक्चुअली मैं नॉर्मली जो वीडियो शूट करता हूँ वो अपने इस फ़ोन से करता हूँ, ये है iPhone 12 Pro Max, और अभी जो वीडियो शूट हो रही है मेरे को फ़िलहाल iPhone 11 से हो रही है। तो आप साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। ये आपको डिफरेंस मिलेगा विद माइक और विदाउट माइक।
और एक बार मैं आपको बिना माइक के भी आपको मैं चेक कराता हूँ साउंड। तो गाइस अब जो मेरी साउंड आ रही है वो आपको फोन के माइक्रोफोन से जो साउंड आती है वो सुनाई दे रही है। तो गाइस सही है मुझे माइक कैसा लगा आपको और कैसे आपके रिव्यू थे, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है इसका और ऑडियो क्वालिटी कैसी है, कैसा आप सुन पा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में आप मुझे डिफरेंस करके प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए। नाउ एक बार हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज अंकित शिवान, बाय बाय।